नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता में आज हम आपको बताएंगे कि इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई रुकने से किसका और कैसे मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना टूट गया। 11 दिन तक चली जबरदस्त जंग के बाद अचानक इसराइल और फिलिस्तीन में हुए सीज फायर की इनसाइड स्टोरी भी आज आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि इस सीज फायर ने कैसे बदली मुस्लिम देशों की सियासत। इसके अलावा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीन सैकड़ों परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश के पास बनी चीन की नई सड़क क्या भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। देश की सुरक्षा से जुड़ी ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन तक चली जबरदस्त जंग का आज सुबह अंत हो गया। इसराइल ने आखिरकार सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब ना तो गाजा में इसराइल के मिसाइल गरज रहे हैं और ना ही इसराइल के रिहायशी इलाकों में हमास के हमलावर रॉकेट बरस रहे हैं। लेकिन अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमास को ये सारी की सारी लड़ाई खत्म करनी पड़ी, और इधर कसम खा चुके कि ये लड़ाई नहीं खत्म करने वाले नेतन्याहू, अचानक उनके हृदय में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? कहीं इसके पीछे बाइडेन का रोल तो नहीं है? देखिए इस सीज फायर की इनसाइड स्टोरी। पूरे 11 दिनों तक गाजा में रॉकेट और मिसाइल के धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। ग्यारह दिनों तक इसराइल की तरफ से फिलिस्तीन के गाजा पट्टी इलाके में ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। ग्यारह दिनों से हमास गुट के लड़ाके इसराइल के रिहायशी हिस्से पर हमला कर नुकसान पहुंचाते रहे, और जवाब में इसराइली सेना ने कभी टैंक, कभी ड्रोन अटैक और कभी निंजा मिसाइल से गाजा सिटी की ईंट से ईंट हिला दी। इस दौरान हमास की ओर से जहां 4,000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, वहीं इसराइल ने भी गाजा में मिसाइलों और बमों की बारिश से शहर के काफी हिस्सों को खंडर में तब्दील कर दिया। मगर 11 दिनों के बाद हमास के आग उगलते रॉकेट भी रुक गए और इसराइल ने अपने तमाम मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया, जिसके साथ ही इसराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी अब तक की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई पर फिलहाल संघर्ष विराम लग गया। हमास को बीमारी बताने वाले, उसका नामो निशान मिटाने की कसम खाने वाले इसराइल ने गुरुवार की शाम को 11 दिनों तक चले सैन्य अभियान को रोकने का ऐलान कर दिया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा में एकतरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी। इजरायल कैबिनेट ने भी युद्ध विराम की पुष्टि कर दी। ये सीज फायर शुक्रवार की तड़के 2 बजे से प्रभावी हो गया। इजरायल की तरफ से अचानक लिए गए इस फैसले से जहां गाजा के लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं दुनिया के कई हिस्सों में लोग हैरान हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फिलिस्तीन के प्रति इजरायल का यह हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्या इस सीज फायर के पीछे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत का प्रभाव है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 दिन पहले ही बुधवार को नेतन्याहू ने इजरायली सैन्य मुख्यालय के दौरे के बाद कहा था कि इजरायल के लोगों को शांति और सुरक्षा वापस दिलाने के लिए हमास के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हालांकि थोड़ी ही देर बाद जो बाइडेन ने नेतन्याहू से गाजा में जारी तनाव कम करने की अपील की, जिसका नतीजा सबके सामने है। 11 दिन का भयावह युद्ध, तो उसके बाद सीज फायर। सही में ये वेलकम स्टेप है, बहुत इंतजार था इसका। चाहे इसमें हम कहें कि अमेरिका और इजिप्ट का प्रेशर रहा जिसकी वजह से इसराइल ने सीज फायर किया, या फिर इसराइल का अपना उद्देश्य अचीव हो गया था कि हमास की उन्होंने कमर तोड़ दी थी।
शुक्रवार की सुबह होते ही गाजा की फिजाओं में तैरती बारूद की महक गुम हो गई, आसमान में उठते आग के शोले शांत हो गए और धुएं का गुबार छटने लगा। अब इसे इसराइल पर अमेरिका का प्रेशर नहीं तो भला और क्या कहेंगे कि जिस मुल्क ने आधी दुनिया के मुस्लिम देशों की धमकी के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं खींचे, उसने बाइडेन के दो बोल सुनकर ही अपने बमवर्षक हथियारों पर ब्रेक लगा दिया। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।